अच्छा बच्चों, अब आपने 9.1 में ही कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ये रिलेशन होता है एस आर और थीटा के दरमियान। रिलेशन क्या है? एस इक्वल टू आर थीटा, वेयर एस क्या होता है, इसको आप बोलते हो आर्क लेंथ, ठीक है। आर क्या होता है, ये होता है रेडियस। थीटा क्या होता है, एंगल, लेकिन एंगल रेडियन के अंदर। इस फॉर्मूले को जब आप इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो इसमें एंगल जो है वो आप रेडियन के अंदर पुट करोगे, अदरवाइज आपका आंसर जो है वो गलत आ जाएगा। अब इसके केसेस जो है वो बुक में लिखे हुए, आप 9.1 में क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 7 तक की प्रैक्टिस कर लो, आपको समझ आ जाएगा। तीन केसेस हो सकते हैं कि आपको एस निकालना है, आर और थीटा गिवन है। अब लेट कर लो, अगर आर कंसिडर कर लो, आर जो है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है, थीटा जो है वो आपको गिवन है 30 डिग्रीज, और आपको एस निकालना है। तो एस में सबसे पहले आपको थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 30 डिग्री जो है ये बराबर होता है पाई बाय 6 रेडियन के, तो आप पुट करो रेडियस 5 है, एंगल है पाई बाय 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 पाई बाय 6। इसको आप कन्वर्ट कर लेना, ऑलमोस्ट 2.5 के करीब कुछ आ रहा होगा, तो ये आंसर 2.618 सेंटीमीटर इसका आंसर आ रहा है। तो इसमें दो चीजें नोट किए नोट करनी चाहिए आपको, कि अगर थीटा डिग्री के अंदर है तो आपको इसमें रेडियन के अंदर पुट करना पड़ेगा, और दूसरी चीज अगर रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर है तो फिर एस का यूनिट भी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर के अंदर हो जाएगा। तो पहला केस तो ये है। दूसरा केस ये कि अगर आपको रेडियस निकालना हो तो रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप थीटा को डिवाइड कर दो एस अपॉन थीटा। तो अगेन वही काम, एस किसी भी यूनिट में आपको गिवन होगा, लेट कर लो अगर एस जो है वो मीटर के अंदर आपको गिवन है, थीटा जिसके अंदर भी हो आपको उसको रेडियन के अंदर करना पड़ेगा, तो जो इसका फाइनल आंसर होगा रेडियस का वो भी किसके अंदर होगा, मीटर के अंदर होगा। जो एस का यूनिट है वही यूनिट हो जाएगा आर का। और तीसरी बात ये हो सकती है कि अगर आपको यहां से थीटा निकालना हो तो थीटा निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा एस अपॉन आर, ठीक है। अब एस और आर के यूनिट सेम होने चाहिए, लेट कर लो अगर एस आपको मीटर्स में गिवन है और आर आपको सेंटीमीटर्स में गिवन है, तो या तो आप आर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेना या एस को सेंटीमीटर में ले आना, यूनिट सेम इनका कर लेना। जब आपने दोनों का यूनिट सेम कर लिया, अब आप इस फॉर्मूले में पुट करना और इसका आंसर मालूम करना। आंसर जो भी आएगा उसके साथ आप लिखोगे रेडियन। लेट कर लो एस था 5 के बराबर, आर था 2 के बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 अपॉन की 2 क्या होता है 2.5, तो थीटा क्या होगा 2.5 रेडियंस, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हमेशा जो थीटा का आंसर होगा वो रेडियन के अंदर होगा। यहां से आपने एक और चीज देख ली कि जरूरी नहीं है कि रेडियन के अंदर हमेशा पाई आ रहा है, ये कोई शर्त नहीं होती। हम नॉर्मली पाई लिख रहे होते, ये मैंने पाई बाय 6 लिखा हुआ है, इसको मैं पॉइंट के अंदर भी तो कन्वर्ट कर सकता था, मैं इसको 0.52 लिख देता पाई बाय 6 को। तो जरूरी नहीं है कि रेडियन के अंदर पाई आ रहा होगा, पॉइंट में भी आ सकता है। असल चीज है कि यूनिट आगे क्या लिखा हुआ है, अगर 2.5 डिग्रीज लिखा हो तो वो डिग्री हो जाएगा, 2.5 रेडियन लिखा हो तो वो रेडियन हो जाएगा। तो रेडियन के पाए का कोई ताल्लुक नहीं है आपस में, नॉर्मली ज्यादातर आप पाए देखोगे लेकिन जरूरी नहीं होता है। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर लोगे, बाकी प्रैक्टिस आप कर लेना, बुक में क्वेश्चन है तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी उससे। उसके बाद एक दो और कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है। सबसे पहली बात, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, इसको जरा देख लो। एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर आपको सर्किल का रेडियस देते हैं और आपको एरिया निकालना हो तो आप यहाँ पे रेडियस की वैल्यू पुट कर देना, आपके पास एरिया ऑफ सर्किल आ जाएगा। इसी फॉर्मूले को आप डायमीटर की फॉर्म में भी लिख सकते हो, यह फॉर्मूला भी बन सकता है एरिया ऑफ सर्किल का। क्यों? क्योंकि आपको पता है रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, डी अपॉन टू। तो आप रेडियस की जगह डी अपॉन टू पुट कर दो, जब स्क्वायर करोगे तो डी स्क्वायर अपॉन फोर हो जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्किल का, ये भी फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्किल का। एक में रेडियस आ रहा है, एक में डायमीटर आ रहा है, आंसर दोनों से सेम ही आएगा, कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है, दिखने में आपको बस फर्क लग रहा है। दूसरी चीज होती है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। तो ये मेरे ख्याल में बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए कि सर्किल का सर्कमफेरेंस क्या होता है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल होता है 2πr, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी सर्किल का सर्कमफेरेंस निकाल सकते हो, आपको बस रेडियस चाहिए। सर्कमफेरेंस क्या होता है, जो बाउंड्री है ना पूरी, इसको आप सर्कमफेरेंस कहते हो। तो बाउंड्री की लेंथ क्या है,
वो आप इस फॉर्मुले से निकाल लोगे। आप रेडियस पुट करना, आपको पता चल जाएगा कि उस सर्कल की बाउंड्री की टोटल कितनी लेंथ है। तो ये हो जाएगा सर्कमफेरेंस। उसके बाद एक और आखिरी चीज होती है जिसको आप बोलते हो सेक्टर, तो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। सेक्टर होता क्या है, जो आपके पास पिज्जा होता है ना, ये बेस्ट एग्जाम्पल है। पिज्जा का जो एक स्लाइस होता है वो बेस्ट एग्जाम्पल है सेक्टर की, बिल्कुल उसी शेप का सेक्टर होता है। कि लेट कर लो या आपके पास एक पिज्जा था पूरा, आपने एक स्लाइस इस तरह अलग कर लिया, इस टाइप का स्लाइस होता है कि आपने अलग कर लिया, तो ये जो पूरा है ना आपके पास, ये जो पूरी शेप बन रही है इस टाइप की, इस शेप को आप क्या कहते हो, सेक्टर। और एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब ये पूरा रीजन, ये आपने निकाला। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है 1/2 r² θ। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का। तो जिस सर्किल में आपने उसका सेक्टर का एरिया निकालना है, तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो सर्किल का रेडियस पता होना चाहिए, दूसरा कि वो एंगल क्या बन रहा है, थीटा क्या है वहां पे। तो रेडियस और थीटा जब आप यहां पे पुट करोगे तो यहां पे आपके पास इस सेक्टर का एरिया आ जाएगा। और ये सेक्टर मतलब ये भी रेडियस है ना, ये भी रेडियस है और ये आर्क लेंथ होती है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दो रेडियस और आर्क लेंथ ने एक एरिया पूरा बाउंड किया हुआ है। इस एरिया को तीन चीजों ने बाउंड किया हुआ है ना, रेडियस, दो रेडियस और एक आर्क लेंथ, तो इन तीन चीजों ने बाउंड किया हुआ है, तो आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर आ रहा है। हाँ, तो सवाल क्या है भाई, क्या सेक्टर, हाँ वही बात मैंने बताई है कि सेक्टर जो है, जो सेक्टर आप बनाओगे वो सेंटर से स्टार्ट करोगे। सेंटर से आपने दो रेडियस बनाने, एक रेडियस इधर बना दो, और लेट कर लो मैं एक और सेक्टर बनाना चाह रहा हूं, तो एक रेडियस आपने इधर बनाया, एक रेडियस इधर बनाया, ये पूरा आपके पास सेक्टर आ जाएगा। तो स्टार्ट तो ऑब्वियसली आप सेंटर से ही करोगे, ठीक है। तो फॉर्मूला भी बता दिया। अच्छा, अगेन वही बात, यहाँ पे थीटा जो है वो रेडियन के अंदर होना चाहिए, मेरे जहन में रखना। मैंने बताया था जैसे आप थोड़े आगे जाओगे ना, थीटा जो है ज्यादातर रेडियन में कंसिडर करते हैं, तो थीटा रेडियन के अंदर होगा इसमें भी, और ये जो फॉर्मूला बताया था इसमें भी। सर जो रेडियस है सर वो सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी हो सकता है। हाँ हाँ, मिलीमीटर्स में नहीं देते मेरे भाई, ज्यादातर मीटर्स में देते हैं, सेंटीमीटर्स में देते हैं, बस दो ही सब। ओके, दवा यूनिट भी नहीं होता, लिख देते हैं 5 यूनिट। यहाँ पे बहुत दफा देखा होगा 5 यूनिट लिखा हुआ है, तो उसका मतलब कोई यूनिट नहीं है, बस वैसे उन्होंने बता दिया कुछ ना कुछ यूनिट है इसका, लेकिन हमने स्पेसिफाई नहीं किया। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट होता है, सुना हुआ होगा आपने अपनी शायद बेसिक अलजेब्रा या बेसिक ज्योमेट्रिक शेप पढ़ते थे, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको पेरीमीटर कहते हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है, अगर आप किसी भी शेप की जो बाउंड्री है ना उसका डिस्टेंस फाइंड कर लो, मतलब सिंपल कंसिडर करो, अगर आप पूरी बाउंड्री पे चलो तो जो डिस्टेंस होगा उसको आप पेरीमीटर कहते हो। तो जैसे स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है कि इन चारों साइड की लेंथ को आपस में ऐड कर दो। अगर इसकी लेंथ एक्स है तो इसकी भी एक्स, इसकी भी एक्स, इसकी भी एक्स, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4x। अगर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में भी पेरीमीटर ये पूरा होता है, तो अगर ये एक्स है तो ऊपर वाला भी एक्स होगा, ये वाई है तो ये वाला भी वाई होता है रेक्टेंगल के अंदर, तो इसमें पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2x + 2y। मतलब आपने सब साइड्स को आपस में ऐड कर दिया तो आपके पास पेरीमीटर आ जाता है। सेम कॉन्सेप्ट सर्किल के अंदर भी होता है। सर्किल का जो पेरीमीटर होता है ना वो सर्कमफेरेंस ही होता है। सर्कमफेरेंस अगर आपको याद हो तो क्या होता है, बाउंड्री पूरी, ठीक है, तो पेरीमीटर भी ये होता है। तो सर्किल के अंदर अगर सर्कमफेरेंस बोला जाए या पेरीमीटर बोला जाए बात एक ही होती है, फॉर्मूला सेम ही है। फॉर्मूला क्या है, 2πr। और अगर लेट कर लो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर आ जाए, ये भी मैं बता देता हूं, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, सेक्टर का अगर आपको पेरीमीटर निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2r + s। कैसे आए ये भाई, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये तीन चीजें है ना, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो इसकी लेंथ r है, ये है आर्क लेंथ और ये भी r है, तो r + s + r ये हो जाएगा 2r + s। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, 2r + s। अगर s गिवन ना हो तो फिर आप आर्क लेंथ ये वाला फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, खैर इतना ज्यादा आता नहीं है ये, वैसे आप लोगों के बुक का टॉपिक भी नहीं है, लेकिन मैंने देखा है एनडी में आया हुआ था एरिया ऑफ सेक्टर का, तो मैंने बता दी, वो तो लाजमी याद रखना है। या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कोई सवाल है तो पूछ लो।
उसके बाद यार ये तो कुछ बेसिक आपने डिस्कस किया ट्रिग्नोमेट्री से पहले एंगल्स रेडियंस यूनिट्स के बारे में। अब आ जाओ भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ना राइट एंगल ट्राइंगल के जरिए से डिफाइन किया है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल के डिफरेंट साइड है ना उनका जब आप रेशियो निकालते हो, जैसे एक मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊ, ये बातें आपको पता होंगी, बस मैं हल्का सा रिवाइज करवा रहा हूँ। हम एक एंगल बनता है, इस एंगल के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं बाकी चीजें। आपने पढ़ा होगा ना बेस परपेंडिकुलर ये सब चीजें क्या होती हैं, कि थीटा के जो एंगल है उसके सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर होती है, उसके साथ वाली साइड बेस होती है, और ट्राइंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो अगर आप इनका रेशियो निकालो, मतलब परपेंडिकुलर और बेस को डिवाइड करो, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर को, बेस और हाइपोटेन्यूज को, तो आपके पास इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, जो एक एंगल को रिलेट करते हैं साइड के डिफरेंट रेशियोज पे। जैसे अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा लिखूं, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ट्राइंगल के साइड के रेशियो को आप रिलेट करवा रहे हो थीटा से, तो इन वाले फंक्शंस को आप बोलते हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मैं तीन बता देता हूं, बाकी तो रेसिप्रोकल है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बाकी जो तीन है मतलब कोसेक सेक कॉट, ये इनके रेसिप्रोकल होते हैं। अगर आपको साइन पता है तो उसको रेसिप्रोकल करो, कोसेक आ जाएगा। इसी तरह अगर कॉस पता है, रेसिप्रोकल करो, सेक आ जाएगा। ये चीजें तो बहुत बेसिक सी हैं, बताऊंगी आप लोगों को। अच्छा, इसके बाद देखो राइट एंगल ट्राइंगल में तो लिमिटेड है। आप राइट एंगल ट्राइंगल में सब बड़े से बड़ा एंगल क्या हो सकता है, 90 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल में तीन एंगल जो होते हैं ना ट्राइंगल के, सबसे बड़ा वाला एंगल 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री से बड़ा कोई भी एंगल नहीं होता राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। तो क्या आपकी ट्रिग्नोमेट्री बस 90 डिग्री तक महदूद रहेगी? नहीं। आपने ट्रिग्नोमेट्री में देखा है साइन के अंदर आप 600 डिग्री भी पुट कर रहे हो, पता नहीं कौन कौन से डिग्री पुट कर रहे हो। तो फिर आपने ट्रिग्नोमेट्री को राइट एंगल ट्राइंगल से निकाल दिया और इसको एक्सटेंड कर दिया यूनिट सर्किल पे। यूनिट सर्किल ने हमारे लिए बहुत आसानियां पैदा की है। यूनिट सर्किल के जरिए से बड़ा एंगल आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है वो यूनिट सर्किल का होता है। यूनिट सर्किल में डिटेल में तो नहीं जाएंगे क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर है, वरना मैं इसकी पूरी ट्रिक्स बताता हूँ कि कैलकुलेटर के बगैर कैसे आपने निकालना है साइन 330 डिग्री या कॉस 450 डिग्री, कैलकुलेटर के बगैर कैसे निकालोगे। लेकिन आप लोगों के पास कैलकुलेटर है तो वो आप लोगों के लिए सब फालतू चीज है ये बताना। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी किसी को शौक हो तो मैंने अपने चैनल का अपलोड किया है, जो मैंने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 9 पढ़ाया है ना, उसके अंदर ये सब मैंने बातें डिस्कस की हुई। तो यूनिट सर्किल एक ऐसा सर्किल होता है जिसका रेडियस जो है वो क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ऐसा सर्किल जिसका रेडियस 1 के बराबर हो उस सर्किल को आप क्या कहते हो, यूनिट सर्किल। और यूनिट सर्किल के अंदर बेसिकली अगर आप एक पॉइंट पिक करो, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट से एक्स कॉमा वाई, ठीक है, फिर राइट एंगल, ये दरमियान में बन रहा है एंगल थीटा, वर्टिकल डिस्टेंस होता है वाई और ये वाला डिस्टेंस होता है एक्स। तो अगर आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, अच्छा पाइथागोरस थ्योरम भी आपको पता होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसको आप कहते हो पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो अगर आप इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ ना, इसका जो रेडियस है, ये पूरा रेडियस है ना, ये 1 के बराबर है, बाकी दो बेस एक्स है, परपेंडिकुलर वाई है। तो ये चीज आंसर आ रहा होगा आपका कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर होना चाहिए था हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, 1, क्योंकि एक यूनिट सर्किल है। तो यूनिट सर्किल के अंदर क्या रिलेशन होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होता है 1 के। तो बस इतनी बात यूनिट सर्किल से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद क्या पता होना चाहिए कि यूनिट सर्किल में जब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन किया था तो उसमें साइन कॉस टेंजेंट इन सब का क्या होता है। तो याद रखना साइन जो है ये बराबर होता है वाई वैल्यू के। यूनिट सर्किल के अंदर अगर कोई भी आप एक पॉइंट पिक करो, उस पॉइंट की जो वाई वैल्यू है वो होता है साइन थीटा के बराबर, उस पॉइंट की जो एक्स वैल्यू है वो बराबर होती है कॉस थीटा के, और टेंजेंट थीटा क्या होता है वाई अपॉन एक्स। यहीं से टेंजेंट थीटा का एक और फॉर्मूला भी आप लिखते हो,
टेंजेंट थीटा का ये फॉर्मूला भी होता है, वाई साइन के बराबर है ना, और एक्स जो है वो कॉस के बराबर है। तो यहां से एक और फॉर्मूला भी है टेंजेंट थीटा का, कि टेंजेंट थीटा बराबर होता है साइन अपॉन कॉस के। दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, टेंजेंट थीटा बराबर है वन अपॉन कॉट के, अपने रेसिप्रोकल बराबर है। जैसे साइन थीटा बराबर है वन अपॉन कोसेक थीटा, इसी तरह कॉस थीटा बराबर है वन अपॉन सेक थीटा। ये हम चैप्टर नंबर 10 में भी देख लेंगे इसको मजीद, ये रेसिप्रोकल आपस में बराबर होते हैं। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि यूनिट सर्कल के अंदर साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है 9.2 का है, 9.2 में आपने सब काम किए हुए। ठीक है, कोई सवाल यहां तक? अभी यूनिट सर्कल में ये साइन कॉस बताने की वजह ये है कि आपको ये पूछा जाता है कि भाई चार क्वाड्रेंट है, इन चार क्वाड्रेंट में किस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, किस क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है। तो ये याद रखने में आपको आसानी हो जाएगी। कैसे? बिल्कुल इसी को देख के आप साइन कॉस टेंजेंट बता सकते हो कि पॉजिटिव है या नहीं है। तो मैं एक सिस्टम बनाता हूं पूरा, ठीक है। इस सिस्टम के बारे में दो तीन बातें आपको पता होनी चाहिए कि यहां पे एंगल होता है 0 डिग्री, पूरा मूव करके यहां पे जाते हो, यहां पे एंगल 90 डिग्री, यहां पे एंगल हो जाता है 180 डिग्री, इधर है 270 डिग्री, और दोबारा इधर आओगे तो ये 360 डिग्री हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, क्वाड्रेंट की नेमिंग जो है आप एंटी क्लॉकवाइज करते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तीसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि हर क्वाड्रेंट में कितना एंगल होता है। तो जो क्वाड्रेंट वन है, वन क्वाड्रेंट में एंगल 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक होता है। 0 और 90 के दरमियान जो भी एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा। 90 डिग्री और क्या कहते हैं 180 डिग्री, इसके दरमियान कोई भी एंगल होगा तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर होगा। 180 डिग्री और 270 डिग्री, इसके दरमियान कोई भी एंगल होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और 270 डिग्री और 360 डिग्री के दरमियान कोई भी एंगल होगा तो वो लाइक कर रहा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। अब ये बेसिक बात तो आपको पता होगी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स भी पॉजिटिव होता है, मतलब ग्रेटर देन 0, और वाई वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स जो है वो नेगेटिव होता है, लेस देन 0, लेकिन वाई पॉजिटिव होता है, क्योंकि वाई ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, और एक्स राइट पे पॉजिटिव है लेफ्ट पे नेगेटिव है। तो एक्स यहां पे नेगेटिव लेकिन वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है, दोनों लेस देन 0 होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है लेकिन वाई जो है वो नेगेटिव होता है। अब ये फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आप इन x और y की वैल्यू से आसानी से बता दोगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन क्या होंगे। आपको कितनी दफा एग्जाम में बोला जाता है, खैर आप लोगों के पास तो कैलकुलेटर है ना, लेकिन वो इस टाइप की कंडीशन देते हैं कि साइन थीटा जो है वो लेस देन 0 है, कॉस थीटा जो है वो ग्रेटर देन 0 है, बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है। अभी आप कैलकुलेटर से मालूम नहीं कर सकते। ट्रिक क्या है इसके अंदर, साइन नेगेटिव है कॉस पॉजिटिव है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें कॉस पॉजिटिव होता है साइन नेगेटिव होता है। तो उसके लिए मैं पूरा टॉपिक आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब पहले क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है, तो अगर एक्स वाई पॉजिटिव है साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टेंजेंट भी पॉजिटिव, क्योंकि इनके सब फॉर्मूले में एक्स और वाई आ रहा है, तो इसका मतलब यहां पर ऑल पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर बात की जाए तो एक्स नेगेटिव है, तो अब जो जो जिन फॉर्मुलों में x आ रहा है वो सब नेगेटिव हो जाएंगे। तो cos में x आ रहा है नेगेटिव हो जाएगा, tangent में x आ रहा है नेगेटिव हो जाएगा, sin में y आ रहा है इसका मतलब sin theta जो है यहां पे पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बात की जाए तो एक्स वाई दोनों नेगेटिव है, तो sin भी नेगेटिव, cos भी नेगेटिव, tangent पॉजिटिव होगा, क्योंकि tangent रेशियो है y और x का। अगर y भी नेगेटिव x भी नेगेटिव तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, उसका मतलब इस क्वाड्रेंट में टेंजेंट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर बात की जाए फोर्थ क्वाड्रेंट की, फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई नेगेटिव है, तो वाई नेगेटिव की वजह से टेंजेंट नेगेटिव, साइन नेगेटिव, कॉस जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब आपके सवाल का जरा आंसर दो, सिंपल सी बात है,
कॉस पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है? एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होगा। अब साइन नेगेटिव है, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो सब पॉजिटिव है। इसका मतलब अभी बात की जा रही है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है जबकि साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट। अब एक और सवाल करवाता हूं, फिर आप लोग से पूछूंगा। इस तरह भी सवाल आ जाता है कि साइन थीटा क्या, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा ऑब्वियसली। जिसमें मैंने लिखा हुआ ना कि साइन पॉजिटिव है तो उसका मतलब इसमें बाकी नेगेटिव है, इसमें लिखा हुआ टेंजेंट पॉजिटिव इसका मतलब बाकी नेगेटिव है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू, टेंजेंट थीटा इक्वल टू लेट कर लो इसको, इसका मिलता है टेंजेंट थीटा जो है वो ग्रेटर देन जीरो, ये काम कर देता है क्योंकि वैल्यू लिखूंगा वो गलत सी हो जाएगी क्योंकि थीटा तो एक ही रहेगा ना। इस तरह कर लो कि वो एक फंक्शन में वैल्यू दे देंगे, एक फंक्शन में आपको वैसे बता देंगे। अब इसका मतलब क्या है? साइन नेगेटिव है लेकिन टेंजेंट जो है वो पॉजिटिव है। अब टेंजेंट पॉजिटिव कहां कहां पे होता है? एक तो टेंजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एक टेंजेंट थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। लेकिन साइन भी नेगेटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई नेगेटिव नहीं होता। इसका मतलब ये बात की जा रही है थर्ड क्वाड्रेंट की, कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव है और साथ साथ साइन क्या है? नेगेटिव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। ये सवाल है 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2, तो वहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब मुझे इस बात का आंसर दे दो जरा। तो sec थीटा पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन जीरो, sec थीटा भी पॉजिटिव है ग्रेटर देन जीरो, बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है? अभी आउट ऑफ बुक क्वेश्चन पूछा है मैंने, करवाया मैंने साइन कॉस टेंजेंट पूछ मैंने पर sec फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। हां फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। अगर मैं इसको इस तरह कर लूं, देखो याद रखना कि अगर साइन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। अगर साइन पॉजिटिव है इसका मतलब इसमें कोसेक भी पॉजिटिव है। अगर इधर टेंजेंट पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कॉट भी पॉजिटिव होगा। और अगर यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल सेक भी पॉजिटिव होगा। अब देखो सेक नेगेटिव है, कोसेक पॉजिटिव है, कोसेक कहां पे पॉजिटिव होता है? या तो इसमें कोसेक पॉजिटिव होगा या कोसेक इसमें पॉजिटिव होगा, लेकिन इसमें sec नेगेटिव नहीं हो सकता ना। इसका मतलब इस क्वाड्रेंट की बात की जा रही है, इसमें cosec पॉजिटिव है और sec क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पे है ये सेकंड क्वाड्रेंट। इस तरीके से बाकी आप एग्जांपल सॉल्व करना, 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आपकी मजीद प्रैक्टिस हो जाएगी।